हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा वी स्क्वायरी यूजिंग एस हम लोग पांडास और डेटा विजुलाइजेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं अपने लास्ट के फोर आ, मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें आप देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगी ठीक है बट हाँ आपके प्ले लिस्ट मैंने रेडी कर दी है ऑलमोस्ट तो आप प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके चेक करो मैंने प्ले लिस्ट में क्लास ट्वेल्थ आई पी वाले स्टूडेंट्स के लिए सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं ठीक है पांडास की एस क्यूएल की अब हम कर रहे हैं एस क्यूएल के बाद हम कंप्यूटर नेटवर्क्स करेंगे और कंप्यूटर नेटवर्क करने के बाद सोसाइटल इम्पैक्ट्स करने वाले हैं ठीक है तो चार ही यूनिट है अभी हम थ्योरेटिकली इसको पढ़ रहे हैं अभी हम इसको सीख रहे हैं इसके एग्जाम्पल्स के साथ सबके एग्जाम्पल्स और बहुत ही ईजी तरीके से कर रहे हैं इसके बाद हम करने वाले हैं प्रैक्टिस तो मेक श्योर sure कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और उसके बाद जो वहां पे बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए फॉर ऑल नोटिफिकेशन ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले ठीक है क्योंकि आगे मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराने वाली हूँ आपको और जैसी वीडियो मैं अपलोड करूंगी आपको पता चल जाएगा मेक श्योर टू शेयर दिस वीडियो एंड लेट स्टार्ट तो क्लास ट्वेल्थ आई का अगर हम सिलेबस देखें एस के लिए तो सबसे पहले तो मैथ फंक्शंस है फिर एग्रीगेट फंक्शन है टेक्स फंक्शन है डेट फंक्शन है ठीक है और उसके बाद है ये हमारा ग्रुप बाय हैविंग ऑर्डर बाय और एक नया आया है इक्वी जॉइन तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं ठीक है तो आप लोगों को तैयार रहना है, है कि हाँ देखिए सारी चीज़ें इजी हैं बट हमें क्या है ए, जो वीडियोस कंटिन्यूसली देखनी है फिर उसके बाद जो प्रैक्टिस होगी वो करनी है और आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है ठीक है आप बुक से प्रैक्टिस करो जो मैं कराऊं उसको प्रैक्टिस करो ठीक है जिस भी बुक से आप प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो मैं जो सिलेबस करा रही हूँ वो स्ट्रिक्टली ऑन सीबीएसई बेसिस करा रही हूँ अगर आपको एक सेपरेट कोर्स करना है जैसे कि पाइथन पूरा पाइथन करना है आपको या एस सीखना है तो उनके लिए मैं सेपरेट कोर्सेज बना दूंगी ये जो है स्ट्रिक्टली कोर्स है क्लास ट्वेल्थ आई वाले स्टूडेंट्स के लिए सो ऑल द बेस्ट एवरी So, सबसे पहले हम मैथ फंक्शन देखेंगे मैथ में हम तीन फंक्शंस देखने वाले हैं पावर राउंड और मोड आई थिंक आपने इसे मैथमेटिक्स में यूज किया होगा जैसे पावर निकालना या राउंड ऑफ करना या मोड निकालना ठीक है उन्हीं सेम फंक्शन का मतलब यहाँ पे उनका मतलब सेम है बट हम किसके थ्रू कर रहे हैं एसकेल के थ्रू ठीक है अगर पावर फंक्शन आप देखोगे तो पावर फंक्शन क्या करता है रिटर्न करता है वैल्यू ऑफ नंबर रेज टू द पावर ऑफ आप हमेशा रेज टू तो द पावर जैसे कि अगर मैं बोलू फोर फोर की पावर टू तो व्हाट डू यू मीन बाय फोर की पावर टू यानी कि फोर इंटू फोर ठीक है तो फोर इंटू फोर कितना आता है सिक्सटीन जो भी आपकी पहली वैल्यू होती है वो आपका बेस होता है और जो भी आपकी सेकेंड वैल्यू होती है वो आपकी पावर होती है ठीक है तो आपने लिखना कैसे है देखो सेलेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट का मतलब क्या है सेलेक्ट करो क्या सेलेक्ट करना है पावर ठीक है पावर हमारा फंक्शन है जिसके आगे भी राउंड ब्रैकेट लग जाते हैं दैट मीनस दैट्स माई फंक्शन ठीक है सेलेक्ट That करो पावर किसकी पावर भाई फोर की पावर टू को ठीक है तो यानी कि मुझे सेलेक्ट करना है पावर फोर की पावर टू को और फिर उसके बाद उसका आउटपुट देना है तो आउटपुट कितना है मेरा सिक्सटी नेक्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दिखा रही हूं सेलेक्ट पावर थ्री की पावर थ्री ठीक है तो थ्री की पावर थ्री तो यानी कि थ्री हमारा बेस हो गया और थ्री ही हमारी पावर होगी यानी कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपको स्क्वायर के लिए अलग कुछ लिखना है क्यूब के लिए अलग अगर आपको स्क्वायर करना है तो सिंपली आप टू लिखेंगे अगर आपको क्यूब करना है तो थ्री लिखेंगे अगर उससे ज्यादा मल्टीपल्स आपको चाहिए तो आप वो लिखेंगे यानी कि जो भी पहली पहला आपका नंबर होगा वो आपका बेस रहेगा और जो आपका दूसरा नंबर रहेगा वो आपकी पावर रहेगी तो क्या कह रहे हैं हम हम सिस्टम को बता रहे हैं कि सेलेक्ट करो क्या सेलेक्ट करना है पावर किसकी पावर थ्री की पावर थ्री तो थ्री की पावर थ्री कितना हुआ हमारा ट्वेंटी सेवन राउंड फंक्शन राउंड फंक्शन क्या करता है राउंड ऑफ करता है टू अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज हैं ठीक है यानी कि दो एग्जांपल्स हैं तो अगर दोनों एग्जांपल एग्जांपल वन को मैं देखूं तो मैं क्या बोल रही हूँ सिस्टम को कि सेलेक्ट करो यानी कि सेलेक्ट करना है किसको राउंड यानी कि राउंड फंक्शन जैसे कि हमारे यहाँ में आप कैसे पहचानते हो अपने घर में कि आपके घर में कोई मशीन है देखो सबसे पहले तो उसका एक प्लग होता है ठीक है जो कि आप इंसर्ट करते हो सॉकेट में और उसको स्विच ऑन करते हो तो उसमें जो भी है मतलब कि अगर आप किसी मशीन को आइडेंटिफाई करना चाहते हो अपने घर में तो आप अप्लाइंसेस को कैसे एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो दूसरा उसका कोई ना कोई काम होगा जैसे कि आपकी वॉशिंग मशीन का एक पर्पज है आपकी फ्रिज uh, का एक पर्पज़ है आपके ओवन का एक पर्पज़ है हर एक चीज का पर्पज़ है।, है पर आपकी बेड को आप एक मशीन नहीं बोल सकते क्यों क्योंकि बेड इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते है। ठीक है उसमें लाइट्स वगैरह लोग लगा लेते हैं वो अलग बात है ठीक है आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं सो सेलेक्ट राउंड राउंड फंक्शन सेलेक्ट अब यहाँ पे क्या है राउंड उसका एक काम है कि जो भी उसको वैल्यू मिलेगी उसको उसको राउंड ऑफ करना है दूसरा उसकी पहचान क्या है राउंड ब्रैकेट देखो ब्रैकेट्स हमारे पास बहुत तरह के होते हैं जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट्स करली ब्रैकेट्स राउंड ब्रैकेट्स ठीक है तो राउंड ब्रैकेट्स हमारे फंक्शन की पहचान है ऐसे हम बहुत चीजों के लिए यूज कर सकते हैं राउंड ब्रैकेट बट अगर मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊं आपको अपने माइंड में सेट कर लेना है कि अगर राउंड ब्रैकेट दिख रहे हैं दैट मींस इट्स अ फंक्शन ठीक है इसको अपने दिमाग में सेट कर लो बिल्कुल तो यानी कि अगर आपने क्या किया आपने फिर पहली वैल्यू लिखी और दूसरी वैल्यू पहली वैल्यू जिसको राउंड ऑफ करना है ठीक है और दूसरी वैल्यू जिसको राउंड ऑफ करना है ठीक है जिससे मतलब जितने नंबर से डाउन ऑफ करना है ठीक है पहली जिसको राउंड ऑफ करना है और जितने नंबर से डाउन ऑफ करना अब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्लस का टू है और ये माइनस का टू है तो यानी कि कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा तो वो डिफरेंस होता है पॉइंट का ठीक है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होती है प्लस में अगर आपको बोल रहे हैं कि प्लस का टू करना है ठीक है यानी कि आपको पॉइंट के बाद दो वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है ठीक है अगर वो बोल रहे हैं आपको कि माइनस का करना है तो पॉइंट के पहले दो वैल्यू तक करना है ठीक है आई होप इतना क्लियर हो गया होगा तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो राउंड ऑफ कर रहे हो ठीक है राउंड ऑफ आई होप आप सबको आता होगा कि फाइव से ज्यादा जब वैल्यूज होती है तो हम उसको कट करके आगे वाली वैल्यू को एक इंक्रीज कर देते हैं तो अगर आप इसे रन करते हो तो आपको क्या मिलेगा ये अब बात आती है एज राउंड वैल्यू वन एज क्या करता है एलियस नेम देता है एलियस नेम क्या होते हैं जैसे आपको एक घर का नाम मिल जाता है उसे बोलते एलियस नेम ठीक है अगर आप एज नहीं लिखते हो यानी कि एज राउंड वैल्यू वन नहीं लिखते हो तो आपका क्या आएगा सेलेक्ट राउंड और ये पहला वैल्यू और ये यानी कि एग्जैक्टली exactly यहाँ तक वो सेम आएगा ठीक है कहाँ पर इसके इस प्लेस पे. ठीक है बट क्योंकि आपने उसको एक नाम दे दिया तो इसलिए वहां पे क्या आ रहा है राउंड वैल्यू वन तो अगर आप ये एज नेम नहीं भी देते हैं तो भी आपका प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट चलेगा ठीक है तो भी आपकी क्वायरी रन होगी ठीक है सेलेक्ट राउंड फिर आपने एक अलग नंबर लिया ठीक है और माइनस टू माइनस टू का मतलब है पॉइंट से पहले ठीक है तो पॉइंट के बाद की सारी वैल्यूज डिलीट हो गई और पॉइंट के पहले तक उसने राउंड ऑफ करके दिया तो देखो आपका क्या आंसर मोड फंक्शन मोड फंक्शन क्या होता है रिमाइंडर फ्रॉम अ डिवीजन यानी कि कभी भी अगर आप डिवाइड कर रहे हो सपोज करो कि पहली वैल्यू हमारे पास क्या है अट्ठारह ठीक है एटीन एंड फोर ठीक है तो फोर फोर जिक्सटीन यस और हमारे पास रिमाइंडर कितना बच गया टू तो यही होता है मोड फंक्शन का काम क्या रिमाइंडर रिटर्न करना डिविजन के बाद ठीक है तो हम अपनी क्वायरी देख लेते हैं आपने क्या लिखा है सेलेक्ट यानी कि सेलेक्ट करो मोड ठीक है मोड सेलेक्ट करना है जो पहला है उसको डिवाइड करना है और जो दूसरा है उससे डिवाइड करना है ठीक है यानी कि आपको इतना समझ लो कि जो भी पहली वैल्यू होती है ना मेनली चीजें उसी पे अप्लाई की जाती हैं ठीक है तो फोर से डिवाइड करना है और उसको एक एलियस नेम देना है दैट इज रिमाइंडर वन ठीक है तो डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर कितना आया टू उसके बाद आपने नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया सेलेक्ट मोड ट्वेंटी डिवाइडेड बाय फाइव एज रिमाइंडर टू तो ट्वेंटी को अगर आप फाइव से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर टू आपका क्या आता है जीरो ठीक है यानी कि क्योंकि ट्वेंटी जो है फाइव से कंप्लीटली डिविजिबल है तो आपका रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा तो रिमाइंडर इज जीरो अब उसके बाद सी बी एस ई के कुछ क्वेश्चन में आपको बता देती हूँ जैसे कि अगर आपको यहाँ पे मैंने क्वायरी रन करके आपके लिए स्क्रीन शॉट लगाया है ताकि आपको दिख सके कि कैसे अगर आप एलियज नेम नहीं देते हो तो कैसे आपको आउटपुट्स मिलेंगे ठीक है तो जैसे कि सेलेक्ट पावर फाइव की पावर थ्री तो फाइव की पावर की थ्री कितना हुआ वन ट्वेंटी फाइव अगर मैं यहाँ पे एलियज नेम देती एज पावर या एज समथिंग तो यहाँ पे क्या आता एलियस ने आता। बट क्योंकि मैंने उसको कोई नाम नहीं दिया है तो वो क्या दे रहा है? मुझे पावर फाइव की पावर थ्री दैट इज वन ट्वेंटी फाइव तो अगर आपके पास कभी भी सी बी एस ई में ऐसे तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप exactly लिखेंगे वन ट्वेंटी फाइव इन द सेम मैनर जैसे ही आउटपुट आया है पूरा इसी तरह से आपने लिखना है आप सिर्फ वन ट्वेंटी फाइव लिख के नहीं छोड़ेंगे ये इस तरह से टेबल जरूर बनाएंगे ठीक है उसी तरह से यहाँ पे मोड देख सकते हो आप मोड में आप क्या करते हो रिमाइंडर रिटर्न करते हो तो अगर फाइव को थ्री से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना आएगा टू तो वो भी एक्जेक्टली exactly आपने इसको कोई नेम नहीं दिया है तो आपको वो टू इस तरह से रिटर्न कर रहा है मोड फाइव कौमा थ्री और दूसरी वैल्यू क्या है आपकी टू अगला सीबीएसई का क्वेश्चन है कि आपको एक्सप्लेन करना है पर्पज ऑफ द फॉलोइंग एस एल फंक्शन तो आपको अभी तक पर्पज समझ आ गया है पावर यूज होता है पावर फाइंड करने के लिए एंड मोड यूज होता है आपको जो भी रिमाइंडर डिविजन के बाद निकालने के लिए उसके बाद यहाँ पे एक अदर सीबीएसई क्वेश्चन भी है हेल्प रेशमा इन प्रेडिक्टिंग द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग क्वाइरीज तो इसमें क्या है कि राउंड ऑफ करना है आपको ठीक है और राउंड ऑफ करके आपने खुद से देखना है और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखने हैं दोनों के आंसर्स एग्रीगेट फंक्शंस देख लेते हैं एग्रीगेट फंक्शंस में हम क्या क्या करने वाले देखो एग्रीगेट फंक्शंस पहली बात तो होते क्या है जो बहुत सारी चीजों पे अप्लाई होते हैं और आउटपुट सिर्फ एक निकलता है जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं आपकी क्लास में आऊं और मैं आपसे पूछूं फर्स्ट कौन आया या फिर ऐसा मैं आपसे पूछती हूँ कि, कि किसने टॉप किया क्लास में ठीक है तो बहुत सारे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं और उनमें वो एक आउटपुट आएगा मेरे पास कभी कभी ऐसा होता है टॉपर्स तो दो हो जाते हैं बस उस उस कंडीशन को अगर हम एलिमिनेट uh, कर दे तो अगर मैं बहुत सारे बच्चों में मेरे पास एक फिर मैं पूछूंगी कि सबसे कम नंबर किसके आए तो बहुत सारे बच्चों में मेरे पास एक यानी कि एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं कि बहुत सारी वैल्यूज है और उसमें से आपको जो निकल के आ रहा है जो आउटपुट आ रहा है ठीक है आपने जब लेके चले थे बहुत सारी वैल्यू जैसे बहुत सारे बच्चों ने पेपर दिया ठीक है तो जब लेके चले तो बहुत सारी वैल्यूज है लेकिन जब आउटपुट आया तो सब सिर्फ कितना आया एक ठीक है तो उसी तरह से एग्रीगेट फंक्शंस वो होते हैं जो बहुत सारी वैल्यूज पे अप्लाई होते हैं बट आउटपुट हमेशा आपका कितना आएगा एक जैसे मैक्सिमम बहुत सारी चीजों में का ही तो मैक्सिमम निकालोगे अगर क्लास में एक ही बच्चा है और मैं आपसे पूछने आऊं कि बेटा आपके आपके क्लास में सबसे ज्यादा नंबर किसके है तो वो अकेला ही बच्चा है उसमें आप क्या मैक्सिमम फाइंड करोगे तो एग्रीगेट फंक्शंस हमेशा एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज में फाइंड किए जाते हैं

तभी तो वो वॉश होते हैं तो उसी तरह से आपको क्या चाहिए मार्क्स का मैक्सिमम चाहिए तो आपको मार्क्स जो है मैक्सिमम के अंदर रखना पड़ेगा मैक्सिमम के ब्रैकेट्स के अंदर तो आपने मार्क्स को मैक्सिमम के ब्रैकेट्स के अंदर रखा ठीक है फ्रॉम भाई पर है ये मैक्सिमम जो मार्क्स का जो कॉलम है ये कहाँ पर है स्टूडेंट नाम की टेबल में देखो स्टूडेंट नाम की टेबल में ही तो है मार्क्स नाम का कॉलम ठीक है तो स्टूडेंट नाम की टेबल में मार्क्स नाम का कॉलम है तो अब देखो यहां पे भी सेम सिचुएशन अगर आप देख पा रहे हो कि मैंने यहां पे कोई नेम नहीं दिया है तो उसने एग्जैक्टली मैक्सिमम मार्क्स को ही कॉलम का नाम दे दिया है और फिर उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स सेलेक्ट किए हैं दैट इज नाइन्टी एट सेम होता है मिनिमम के सिचुएशन के लिए मिनिमम के लिए सिर्फ हम मिन यूज करते हैं ठीक है सेलेक्ट मिनिमम मार्क्स फ्रॉम्स स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट टेबल से और सेम हमने किस पे अप्लाई किया है मार्क्स की कॉलम uh, पे अप्लाई किया तो एक कॉलम देखो एक कॉलम में कितनी सारी वैल्यूज है ठीक है पांच वैल्यू है लेकिन मेरे पास रिटर्न कितनी आ रही है सिर्फ एक वैल्यू तो एग्रीगेट फंक्शन का मतलब यही है कि बहुत सारी वैल्यूज में से एक आउटपुट निकालना एवरेज फंक्शन देख लेते हैं एवरेज फंक्शन में आपको क्या मिलता है आप यहाँ पे जेंडर निकाल रहे हो और एवरेज निकाल रहे हो फ्रॉम स्टूडेंट ग्रुप बाय जेंडर ठीक है अब आप बोलोगे मैम ग्रुप बाय क्या होता है ठीक है तो ग्रुप बाय में आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें ग्रुप बाय हैविंग्स वगैरह समझाऊंगी बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि ग्रुप का मतलब है कि मैंने फीमेल्स को एक तरफ कर दिया मेल्स को एक तरफ कर दिया और दोनों के अलग अलग जो है एवरेज निकाला ठीक है तो देखो सेलेक्ट ठीक है क्या क्या सेलेक्ट करना है मैंने दो कॉलम सेलेक्ट किए जेंडर सेलेक्ट किया है और एवरेज मार्क्स सेलेक्ट किया है कहां से सेलेक्ट किया है स्टूडेंट टेबल से किसके अकॉर्डिंग यानी कि सिलेक्शन जो मेरा एग्रीगेट जो मेरे आ, कोई भी अगर मैं बोलूंगी एवरेज निकाल दो किस हिसाब से निकालो तो गर्ल्स के हिसाब से अलग निकालना बॉयज के हिसाब से अलग निकालना ठीक है तो ग्रुप बाय जेंडर ठीक है किसके अकॉर्डिंग ग्रुप करना है जेंडर के अकॉर्डिंग उसके बाद सम आता है सम में भी सेम चीज हम कर रहे हैं ठीक है सेलेक्ट जेंडर सम करना है किसका सम करना है मार्क्स का कहाँ से फ्रॉम स्टूडेंट टेबल से जो मार्क्स की टेबल है वो कहाँ मिलेगी स्टूडेंट टेबल में ठीक है ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग ग्रुप बाय करना है जेंडर के अकॉर्डिंग यानी कि जेंडर के अकॉर्डिंग हमें मार्क्स टोटल करने हैं अच्छा ठीक है गर्ल्स के मार्क्स कितने आए टोटल बॉयज के मार्क्स कितने ऐसे क्लास टीचर पूछती है ना अगर आपके कोई कॉम्पिटिशन होता है तो इन द सेम मैनर ग्रुप बाय ठीक है ग्रुप कर दिया अकॉर्डिंग टू जेंडर अब आ रही आती है काउंट और काउंट डिस्टिंग बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं बट इसमें कंफ्यूजन जैसी कोई चीज नहीं है काउंट का सिंपल मतलब है काउंट ठीक है अब जैसे कि काउंट किसको कर रहे हैं हम नेम नाम की टेबल को काउंट कर रहे हैं कहाँ से स्टूडेंट जो टेबल में एग्जिस्ट करती है तो स्टूडेंट टेबल मेरी ये रही नेम रही। नाम का कॉलम मेरी अगर मैं यहाँ पे देखू कितने नाम है रजनी है एक दीप है मेल भी है और एक दीप फीमेल भी है एक अक्षय है प्रीति है यानी कि अगर मैं काउंट करने जाऊं तो क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं फाइव स्टूडेंट्स हैं ठीक है, है जो कि मुझे काउंट में मिल गए बट बारी आती है काउंट डिस्टिंक डिस्टिंक का मतलब होता है डिफरेंट ठीक है यानी कि मैं कोई भी एक वैल्यू को रिपीटेडली काउंट नहीं करूंगी ठीक है तो यानी कि देखो दीप अगर दो बार है तो दीप को मैं अगर मैंने दीप को एक बार काउंट कर लिया तो दूसरी बार में काउंट नहीं करूंगी तो वही सिंपल देखो अगर काउंट यूज कर रहे हो तो आउटपुट फाइव आया है लेकिन डिस्काउंट डिस्टिंक्ट यूज किया तो आउटपुट कितना आया आपका फोर फोर क्यों आया क्योंकि उस जो दीप वैल्यू है वो दो बार रिपीट हो रही है और वो डिफरेंट वैल्यू लेते हैं यानी कि डुप्लीकेट वैल्यू बिल्कुल नहीं लेगा तो रजनी दीप अक्षय और प्रीति चार वैल्यूज ठीक है तो क्या है सेलेक्ट काउंट डिस्टिंग मतलब काउंट डिफरेंट काउंट डिफरेंट नेम यानी कि डिफरेंट नेमकाउंट करना है डुप्लीकेट नेम नहीं काउंट करने फ्रॉम स्टूडेंट और उसका आउटपुट आपका कितना आया फोर उसके बाद आता है काउंट एस्ट्रिक्स स्टार आपकी लैंग्वेज में आपको ज्यादा इजी लगता है तो देखो काउंट डिस्टिंक्ट मैं आपको अभी समझा चुकी हूं काउंट डिस्टिंक्ट और काउंट जो ब्रैकेट आपका सिंपल आप काउंट लिखते हो दोनों सेम बात होती है ठीक है अगर आप ब्रैकेट में कुछ नहीं लिख रहे हो काउंट मतलब स्टार मतलब सब कुछ काउंट कर लो ठीक है जो भी वैल्यू है स्टार मतलब सब कुछ ऑल ठीक है तो अगर आप ऑल की बात करो तो ये किसी पे भी अप्लीकेबल है कोई भी कॉलम की बात कर लो चाहे आप रोल नंबर की बात कर लो चाहे आप नेम की बात कर लो तो कितनी वैल्यूज है स्टूडेंट टेबल में यानी कि कितनी रोज है ठीक है तो आपकी फाइव रो है ठीक है बट डिस्टिंक्ट में आपके हमेशा आउटपुट क्या आएगा सिर्फ डिफरेंट क्योंकि आपने किसके लिए अप्लाई किया है नेम पर अप्लाई किया है लेकिन जब आप एस्ट्रिक कर रहे हो आप रो चेक कर रहे हो कि अच्छा कितनी रो एग्जिस्ट करती है इस टेबल में तो देखो पांच रो एग्जिस्ट करती है इस टेबल में ठीक है थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स हेल्प दम एज वेल एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो बाय